महोबा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने चोरों की घटना अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों को कब्जे से चोरी किए गए जेवरात व नकदी बरामद की। कोतवाली क्षेत्र के 4 नवंबर की रात हुई घटना का खुलासा करते हुए SP बंतराज यादव ने बताया कि चोरों ने मदन अहिरवार के मकान से धावा बोल नकदी व सोने के जेवरात पार कर लिए थे। SP अनुपम सिंह के निर्देश अनुसार CO जितेंद्र कुमार दुबे के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल SI स्वतंत्र कुमार, सिपाही अरुण कुमार, SWAT टीम SI दिलीप कुमार मिश्रा व अच्छेलाल सिपाही अरुण कुमार, वीरेंद्र प्रताप सिंह, हरवीर सिंह ने मुखबिर की सटीक सूचना पर रतौली मोड़ के पास मकरबई निवासी इदरीस रईस भगवान दीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। 5 नवंबर की रात्रि में ग्राम पसवारा में एक चोरी की घटना हुई थी। श्रीमती कमला द्वारा इसका जो है अभियोग थाने पे पंजीकृत कराया गया था। इसी संदर्भ में जो है कोतवाली पुलिस और SOG की टीम लगी हुई थी और इसी घटना को वर्कआउट किया गया है और 3 इसमें जो संलिप्त चोर थे उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चोरी का सामान और आला नकब तथा एक अभियुक्त के पास से जो है तमंचा बरामद किया गया है। सर, ये कहाँ कहाँ चोरी? ये इसमें 3 लोग जो पकड़े गए हैं, इदरीस रईस और भगवान दीन, इन लोगों का आपराधिक इतिहास पहले का भी है और इसमें जो रईस है उसके अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार उसके 20 मुकदमे लगभग पन्ना जिले के मध्य प्रदेश के हैं। बाकी अन्य भी लोगों की हम लोग जानकारियां प्राप्त कर ले रहे हैं और इनका जो गैंग लीडर है हल्के कुशवाहा, जो मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है, ये वर्तमान में जेल में बंद है। इसको भी हम लोग पुलिस रिमांड ले के जो है इससे पूछताछ करके बाकी आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे। इससे जो है सोने और चांदी का सामान है और पैसा है। महोबा से UP24 न्यूज़ के लिए कैमरामैन शैलेंद्र सुल्लेरे के साथ संदीप कुमार की रिपोर्ट।